precious friend, may God bless you this month. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, इस महीने परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे. Whatever you ask in the name of Jesus, the Lord will do it for you. आप जो कुछ भी मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर अवश्य ही उसे आपके लिए पूरा करेंगे. And he will give you everything richly to enjoy. और वो आपको सब कुछ बहुतायत से आनंद उठाने के लिए देंगे. Ephesians 3:20. इफिसियो अध्याय 3 वचन 20 ये कहता है. The Lord Jesus only says, "Ask my children, and I will give it to you, so that your joy may be full." प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरी संतानों, तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें वो दूंगा, ताकि तुम्हारा जो आनंद है वो पूरा हो सके. John 16:24. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 24 ये कहता है. Yes, he wants you to be full and complete with every blessing. हाँ, प्रभु चाहते हैं कि आप परिपूर्ण हो, हर एक आशीषों के साथ में आप भरपूरी में बने रहें. This month we are going to meditate on this promise. इस महीने हम इसी प्रतिज्ञा के ऊपर मनन करने वाले हैं. It's found in Zechariah chapter 12 and verse 10. ये पाई जाती है जकरिया अध्याय 12 वचन 10 में. The Lord says, प्रभु इस तरह से कहते हैं, I will pour upon the house of David, मैं दाऊद के घराने पर उंडेलूंगा, प्रभु ये कहते हैं, and upon the inhabitants of Jerusalem, और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली, the spirit of grace and supplication, यानी अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, and they shall look upon me, तब वे मुझे ताकेंगे, whom they have pierced, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, and they shall mourn for him, और उसके लिए ऐसा रोएंगे, as one mourns for his own son, only son, जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, and shall be in bitterness for him, और फिर आगे कहता है, और ऐसा भारी शोक करेंगे, as one that is in bitterness for his firstborn, जैसा पहलौठे के लिए किया करते हैं. इस तरह से ये वचन हमें यहाँ पर बताता है. The Lord says, if a person repents, प्रभु यहाँ पर इस तरह से कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य पश्चाताप करता है, and turns from his wicked ways, और अपने बुरे मार्गों से फिर जाता है, his land shall be healed, तो उसकी भूमि ज्यों की त्यों हो जाती है. Second Chronicles 7 and verse 14. दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 14 ये कहता है. This is the prayer of Solomon. और ये तो सुलेमान की प्रार्थना है. And God heard that prayer. और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी. So every time we repent of our sins and turn from those wicked ways, leaving those iniquities, then God forgives and heals. जब भी हम पश्चाताप करते हैं, अपने बुरे मार्गों को छोड़ देते हैं और दीन होकर परमेश्वर के पास में आते हैं, तो परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करके हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देते हैं. It's not just enough asking for forgiveness. केवल पापों की क्षमा मांगना ही ये पर्याप्त नहीं है, ये काफी नहीं है. God looks at the heart. परमेश्वर हमारे हृदय को देखते हैं, हमारे दिल की गहराई को देखते हैं. And when he sees true repentance, और जब प्रभु सच्चे पश्चाताप को देखते हैं, he is moved with compassion, तो वो हम पर करुणा करते हैं. And secondly, when he sees that we ask his grace to leave the ways of sin, to overcome the addictions, to overcome the lusts and the ways of the world, then he forgives us. और दूसरी बात, जब वो देखते हैं कि हम परमेश्वर से सच्चाई से उसके अनुग्रह को मांग रहे हैं, कि हम पापों के मार्ग को छोड़ दें और हम बुरी लतों पर विजयी हो जाएं और संसार और अभिलाषा के ऊपर हम जयवंत हो जाएं, तब वो हमें आशीषित करते हैं. And then he gives grace to overcome those evil habits or sinful ways. तब प्रभु हम पर अनुग्रह करते हैं कि हम उन बुरी आदतों और पापमय मार्गों के ऊपर में जयवंत हो जाए, उस पर विजयी हो जाए. Forgives us. वो प्रभु हमें क्षमा करते हैं. Removes the past account. और हमारे भूतकाल के जो पुराने लेखे हैं, उसे पूरी तरह से मिटा देते हैं. Makes us new. हमें नया बनाते हैं. Transforms us to be the children of God.
और हमें परमेश्वर की संतान बना देते हैं, हमें पूरी तरह से बदल देते हैं। Today, would you do that? क्या आज आप ऐसा ही करेंगे? God wants to keep you as his child. परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में रखना चाहते हैं। God wants to heal your land. परमेश्वर आपके देश को चंगाई देना चाहते हैं। God wants you to have abundance in the land where God has placed you. परमेश्वर आपके देश में बहुतायत देना चाहते हैं, उस देश में जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है। He wants to give you abundance to enjoy the status of being the child of God. आप परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर की बहुतायत की आशीष और भरपूरी का आनंद उठाएं। If you seek the kingdom of God and his righteousness and stand in it, all the things which God has promised will be added to you. अगर आप परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजेंगे, उसमें डटकर खड़े रहेंगे, तो ये सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। So let's say no to sin. और इसीलिए आइए हम पाप के लिए मना करें। No to sinful habits. आइए हम पाप में आदतों को ना कहते जाएं। No to sinful thoughts. हम पाप में विचारों को नहीं कहते चले जाएं। No to the things of the flesh. और शरीर के जो काम है उसको हम मना करते जाएं। No to the cravings of the flesh and the world. और संसार और शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उसे हम मना करते चले जाएं। No to the ways of the human beings, the things of the world. मनुष्य के तरीके और संसार का जो रीति रिवाज है, उन सारी बातों के लिए हम मना करते जाएं। Let's trust God. आइए हम केवल परमेश्वर पर भरोसा करते चले जाएं। And let's do what God wants us to do. और हम केवल वही करें जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है। That will be counted as righteousness. और इससे ही तो धार्मिकता गिना जाएगा। 1 Samuel 15:22. पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 22 ये कहता है, Obedience is better than sacrifice. कि आज्ञाकारिता तो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, हमें आज्ञा माननी चाहिए। Abraham obeyed God and did what God wanted him to do, and that was counted as righteousness. अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और परमेश्वर जो चाहते थे उसने वही किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। When God spoke to him to do something, he obeyed God, believing that God would do only good things for him, and that was counted as righteousness. जब परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए कहा, तो उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए बिल्कुल वैसे ही किया, और जब उसने ऐसे किया, तो ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। Let's trust God, hear His voice, and do what He says. That will be righteousness. आइए हम परमेश्वर पर भरोसा करें और परमेश्वर ने जो कुछ भी करने के लिए कहा वो हम करते चले जाएं और वो हमारे लिए धार्मिकता गिना जाएगा। And when we do that, God will always be our friend as he was a friend of Abraham. और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमेशा हमारे मित्र रहेंगे, जैसे कि परमेश्वर अब्राहम के मित्र थे वैसे ही हमारे मित्र होंगे। And when you are a friend of God, और जब आप परमेश्वर के मित्र हो जाते हैं ऐसी दशा में, as Jesus says, you will be able to hear the voice of जैसे God. कि यीशु ने कहा है, तो फिर आप परमेश्वर की आवाज सुन पाएंगे, आप उसकी आवाज yes, सुनेंगे। Everything that is in God's plan for you will be open to you. हाँ, परमेश्वर की योजना में आपके लिए जो कुछ भी रखा है वो आपके लिए खुला होगा। And you will know him. और आप उस परमेश्वर को जानेंगे। You will know the fellowship of his sufferings. और आप उसके दुखों की सहभागिता को जान पाएंगे। And you will know the power of his resurrection. और आप उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जानेंगे। Philippians 3:10. फिलिपियो अध्याय 3 वचन 10 ये कहता है, And walk in the supernatural. और आप अलौकिक में होकर चलते चले जाएंगे। And the windows of heaven shall pour down a blessing which you cannot hold. और आकाश के झरोके से आप पर ऐसी आशीषें उंडेली जाएंगी जिसे आप थाम नहीं पाएंगे। For this, look to the one whom you would have pierced through your iniquities and repent and cry for forgiveness. और इसके लिए जरूरी है कि जिसको आपने अपने अधर्मों के द्वारा भेदा है उसकी ओर देखें और आप पश्चाताप करें। And God is willing to give you a new life today as his child. और परमेश्वर आपको अपनी संतान के रूप में
पूरी तरह से नया जीवन देना चाहते हैं कि आप नया जीवन प्राप्त करें। Now, what are the ways in which we would have pierced him? अब वो कौन से तरीके हैं या मार्ग हैं जिसके द्वारा हमने प्रभु को बेधा है? In Hebrews 10:29 it says, we have trampled the blood of Jesus Christ by committing sin. Even though we know it is sin. इब्रानियों अध्याय 10 वचन 29 ये कहता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले रौंदा है, हालांकि हम जानते थे कि ये पाप है, फिर भी हमने उसे किया है। Yes, that is transgression. और यही तो अपराध करना है, यही अपराध है। We trampled the blood of Jesus. हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले कुचला है। We pierced him again. और हमने उसे फिर से बेधा है। Is there hope for us? क्या हमारे लिए कोई आशा है? Yes, if we repent and forsake our sins, then he forgives us. हाँ, अगर हम पश्चाताप करते हैं, अपने पापों को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो हमें क्षमा करेंगे। In Luke 23 and verse 34. लूका अध्याय 23 और वचन 34 में हम देखते हैं। Jesus prays for us. यीशु मसीह हमारे लिए यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। He says, Father, forgive them, for they know not what they are doing. और प्रभु ने यहाँ पर प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। Even today, according to Hebrews 12:24, His blood is interceding for us. आज भी इब्रानियों अध्याय 12 वचन 24 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए मध्यस्थी करते चले जाता है। Speaking good things. हमारे लिए वो भलाई की बातें कहता है। What is that good thing? और ये भली बातें क्या हैं? His blood is speaking, saying, Father, forgive, forgive this my son, this my daughter. She is doing it without her knowledge. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे लिए प्रार्थना करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये मेरे बेटे, ये मेरी बेटी, ये इसे अनजाने में कर रहे हैं। What are the things that we do without our knowledge? ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसे कौन से काम हैं जो हम अनजाने में करते हैं? If you read the Bible, अगर आप बाइबल पढ़ती हैं, in Mark chapter 9 and verse 6, मरकुस अध्याय 9 वचन 6 में हम देखते हैं, Jesus was transfigured on the Mount of Tabor. यहाँ पर ताबोर पर्वत के ऊपर यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था। Peter, who was there, shouted and said, Lord, let's make a tabernacle for Moses. And another tabernacle for Elijah, and another tabernacle for you. और तब पत्रस ने वहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहा कि हे प्रभु, हम यहाँ पर एक तंबू मूसा के लिए बनाते हैं, एक तंबू एलिया के लिए बनाते हैं, और एक तंबू आपके लिए बनाते हैं। Yes, he was thinking about only having houses, places to live, and so on. और वो तो केवल घर या फिर रहने के लिए जगह के बारे में ही सोच रहा था, वो केवल निवास स्थान के बारे में ही सोच रहा था। Only thinking about the flesh. वो तो केवल शारीरिक बातों के बारे में ही सोच रहा था। But during the transfiguration, Jesus was talking to Moses and Elijah, and they were talking to him about the death he was to perform on the cross. इस रूपांतरण के पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह मूसा और एलिया से बातें कर रहे थे और ये बता रहे थे कि किस तरह से उसे दुख उठाना पड़ेगा, क्रूस को सहना पड़ेगा। Those two prophets were talking to Jesus about the sacrifice he had to make. और ये दो भविष्यवक्ता तो यीशु मसीह को बता रहे थे कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को इतना महान बलिदान करना होगा। But Peter was talking in the flesh. लेकिन पत्रस तो यहाँ पर शरीर में होकर बातें कर रहा था। Of gaining possessions of the world. और संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के बारे में कह रहा था। Yes, the Bible says he did not know what he was speaking. हाँ, बाइबल ये भी कहती है कि वो नहीं जानता था कि वो उस समय क्या कह रहा था, वो अनजाने में उसने कहा। Many times when we pray without even knowing what we need. और कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस बात को नहीं जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। We just say that man has it, this woman has it, I want it, my child should have it. और हम ये कहते हैं कि उस भाई के पास में ये है या फिर उस बहन के पास में ये है, मुझे ये चाहिए या मेरे बच्चे के पास में ये होना चाहिए। The Spirit of God is praying for us. परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। Father, forgive him, forgive her for
They do not know what they are praying, what they are asking. हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं. And the Spirit of God turns our heart to know the mind of God when we repent and say, Lord, show me your will. Let me pray for it. जब हम पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा हम में काम करता है और हम इस तरह से कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे बताइए कि आपकी इच्छा क्या है और मैं वैसे ही करूंगा. God hears that prayer. और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनते हैं. And brings his blessings upon us. और परमेश्वर अपनी आशीषों को हम पर लेकर आते हैं. And we pray according to the mind of God. और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते चले जाते हैं. The second thing that we do without knowing is found in Mark 10:38. मरकुस अध्याय 10 वचन 38 में दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो हम इस तरह से अनजाने में करते हैं. Jesus said to his disciples and their mother, "You do not know what you are asking." और यीशु ने चेलों से और उस माता से कहा कि तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या मांग रहे हो. What were they asking? वो क्या मांग रहे थे? Lord, one of us, your disciples, should sit on the right side of your throne and the other one on the left side of your throne. और वो मांग रहे थे कि प्रभु, आपके सिंहासन पर आपके साथ में हम में से एक आपके दाहिनी ओर बैठे तो दूसरा बाईं ओर बैठे. We need positions, we need power, we need favor. हमें तो अवधि चाहिए, हमें तो सामर्थ्य चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें कृपा पाना अच्छा लगता है. We need honor of this world. हमें इस संसार का आदर चाहिए होता है. Jesus said, if anyone has to be the head, he has to be the servant. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो जरूरी है कि वो पहले सेवा करे. But the disciples were talking about power. लेकिन चेले तो यहाँ पर केवल सामर्थ के बारे में, अधिकार के बारे में कह रहे थे. Not spiritual power. ये तो आत्मिक सामर्थ के बारे में नहीं था. But they were asking for worldly power. लेकिन वो तो संसार की सामर्थ के बारे में यहाँ पर मांग रहे थे. Yes, the Bible says they did not know what they were asking. Jesus said that. हाँ, बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि वो नहीं जानते थे कि वो क्या मांग रहे हैं. He said, "It's not for me to decide who should sit on my right or my left. It is the Heavenly Father's decision." और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी दाहिनी ओर कौन बैठेगा और मेरी बाईं ओर कौन बैठेगा, इसे मैं निश्चित नहीं करूंगा, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता इसे निश्चित करेंगे. But the Bible says, "He that humbles himself, she that humbles herself, shall be exalted." लेकिन बाइबल कहती है कि जो अपने आप को नम्र करता है, वही ऊंचा उठाया जाएगा. Jesus became a servant. यीशु मसीह दास बन गए. Bond servant. वो तो बंधे हुए दास हो गए. And because of that, God gave him a name above every name. और उसी के कारण परमेश्वर ने उन्हें सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया है. That at the name of Jesus, every knee bows. कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक घुटना टिकेगा. That is God's plan for you. और आपके लिए यही तो परमेश्वर की योजना है. To honor you. कि आपको आदर देते चले जाएं. But when we ask for power of this world, it really bruises Jesus. लेकिन जब हम इस संसार की सामर्थ को मांगते हैं, प्रभु से सांसारिक सामर्थ मांगते हैं, तो ये उसे मानो कुचल देता है. People should see Jesus as the King of our lives. लोगों को हमारे जीवन के ऊपर यीशु को ही राजा के रूप में देखना चाहिए. Thirdly, और तीसरी बात ये है. What are the things we do which we do not know for which Jesus is interceding for us? हम जिन बातों को नहीं जानते हैं और जो हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए प्रभु यीशु विनती करते हैं. If you read 2 Timothy 4 and verse 16, अगर आप दूसरा तिमोथियुस अध्याय 4 वचन 16 पढ़ते हैं. When Paul, God's servant, defended himself for the sake of the gospel, the people who were with him betrayed him and ran away. जब प्रेरित पौलुस यहाँ पर सुसमाचार के लिए खुद की रक्षा की, तो उसके साथ में जो लोग थे वो उसे छोड़कर चले गए. When Jesus was taken after an arrest to be crucified, Judas betrayed him. जब यहूदा ने यीशु को धोखा दिया, तब यीशु मसीह पकड़वाए गए और फिर उसे क्रूस पे चढ़ाने के लिए ले जाया गया. Peter denied him.
और उस समय पतरस ने उसका इनकार किया। His disciples ran away. प्रभु यीशु के चेले वहां से भाग गए। If we do not stand up to defend Jesus, अगर हम यीशु मसीह के लिए वहां पर डट कर खड़े नहीं रहते हैं, If we do not stand up to defend the name of Jesus, जब हम यीशु मसीह के नाम के लिए वहां पर डट कर खड़े नहीं रहते हैं, We are bruising Jesus on the cross again. तो हम यीशु मसीह को फिर से क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। We are piercing his body. हम उसकी देह को फिर से बेद रहे हैं। We are trampling his blood. और हम उसके लहू को पैरों तले कुचलते जा रहे हैं। Let us not do that. Let's repent. आइए हम ऐसा न करें और हम पश्चाताप करें। Let us stand up for the name of Jesus. और आइए हम प्रभु यीशु के नाम के लिए खड़े रहें। In your job. आपके दफ्तर में, family, आपके परिवार में, in your witness, आपकी गवाही देने में, never deny Jesus. आप कभी यीशु का इनकार मत कीजिए। If you have done it, repent today. अगर आपने ऐसा किया है तो आप इसके लिए पश्चाताप कीजिए। Jesus is praying for you. यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Father, forgive them, for they know not what they do. हे पिता, इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। When you testify about Jesus, जब आप प्रभु यीशु के बारे में गवाही देते हैं, Revelation 12:11 says, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 ये कहता है, Satan will fall down as lightning. As you proclaim the name of Jesus boldly in the midst of your greatest attacks to destroy you. जब आप अपने सबसे बड़े हमलों के बीच में भी बड़े हियाव से यीशु मसीह के नाम की घोषणा करेंगे तो शैतान बड़ी बिजली के समान ऊपर से नीचे गिर जाएगा। Wow, you will overcome the devil and his angels. और निश्चय ही आप शैतान और उसके सारे दूतों के ऊपर में विजयी हो जाएंगे। If you have denied the name of Jesus, repent today. अगर आपने यीशु मसीह के नाम का इनकार किया है तो अभी पश्चाताप कीजिए। Then the Bible says, और फिर बाइबल ये कहती है, People were reading the scriptures, but they did not know him, so they crucified him. लोग वचन तो पढ़ रहे थे लेकिन वो उसे नहीं जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया। Jesus said, यीशु ने कहा, You do not know the scriptures, तुम वचनों को नहीं जानते हो, nor the power of God, और ना ही परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। That is why you are erring, you are committing mistakes, और इसीलिए तुम गलतियां कर रहे हो। You are not able to see Jesus, और तुम यीशु को नहीं देख पा रहे हो, ऐसे कहा। Yes, you may read the Bible. हाँ, शायद आप बाइबल पढ़ते होंगे, You have not known Jesus. लेकिन फिर भी आपने यीशु को नहीं जाना है। Unless you have him in your heart, he is the word. He will connect you with the scriptures and you will not crucify Jesus. जब तक कि वो आपके दिल में आ जाए, देखिए प्रभु यीशु वचन है, तो आप उसे जानेंगे और आप यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाएंगे। Otherwise, you'll be simply reading the scriptures. नहीं तो फिर क्या होगा, आप बस ऐसे ही वचन पढ़ना है करके पढ़ते जाएंगे। But you will never know Jesus. लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जानेंगे। And you will crucify him. और आप उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। Deny him. आप उसका इनकार करेंगे। You will never know his power. आप उसकी सामर्थ को कभी नहीं जान पाएंगे। You will never humble yourself. To have the nature of Jesus to care for people. आप कभी खुद को नम्र नहीं कर पाएंगे कि आप यीशु मसीह के स्वभाव को लेते चले जाएं। You'll always be thinking only about the possessions of the world. और आप तो केवल हमेशा सांसारिक वस्तुओं और संसार के पदों के बारे में ही सोचते चले जाएंगे। Today repent. आज ही पश्चाताप कीजिए। Cry to God. आप परमेश्वर को पुकारिए, उससे प्रार्थना कीजिए। Jesus is praying for you. यीशु आपके लिए विनती कर रहे हैं। He'll give you his godly nature. और वो आपको अपना भक्तिपूर्ण स्वभाव देंगे। And you will have him always. और आप हमेशा उसे पाएंगे। You will know him. आप उसे जानेंगे। And Satan will fall as lightning. और शैतान ज्योति के जैसे नीचे गिर जाएगा। Every possession in the world will be given to you. संसार की हर एक धन संपत्ति आपको दे दी जाएगी। And Jesus will honor you in heaven and on earth. और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में और पृथ्वी पर आपका आदर करेंगे। May God give you this blessing. परमेश्वर आपको ये आशीष बहुतायत से दे। Loving heavenly Father. प्रेमी स्वर्गीय पिता। We
pray this grace upon our lives, Lord. हम हमारे जीवन के ऊपर इस अनुग्रह की प्रार्थना करते हैं. Forgive us. हमें क्षमा कीजिए. Wash us with your blood. हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए. Transform us. हमें बदल दीजिए. Help us to have you and follow you, Lord. प्रभु जी, आप हमारी मदद कीजिए कि हम आपको अपने साथ रखें और आपके पीछे चलते जाएं. Lord, if we have pierced you in any way, forgive us and give us grace to overcome it. हे प्रभु, हमने अगर किसी तरह से आपको भेदा है तो आप हमें क्षमा कीजिए और हमें शक्ति दीजिए कि हम इन सारी बातों पर विजयी हो जाएं. In Jesus' name. यीशु के नाम में. We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी. Amen. Amen. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे. Mrs. Sudesh Kumari, Jesus Calls Ambassador. Thank you so much, sister, for being a wonderful ambassador and a partner of Jesus Calls from Amritsar, Punjab. Happy birthday, precious sister. Happy birthday. We rejoice with you and celebrate with you. Mrs. Sudesh Kumari, Jesus Calls Ambassador. धन्यवाद बहन, आप बहुत अच्छी ambassador रही हैं और Jesus Calls के partner रहे हैं अमृतसर पंजाब से. आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो. हम आपके साथ में आनंद मनाते हैं, इसका उत्सव मनाते हैं. May this year be a blessed year according to Deuteronomy 28:12. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain on your life and family in season and to bless all the work of your hands. व्यवस्था विवरण 28:12 के अनुसार ये साल आपके लिए आशीष का साल हो. परमेश्वर अपने भंडार खोलेंगे कि आपके जीवन और आपके परिवार पर मेह बरसाए, कि ऋतु में बारिश हो और आपके हाथों के सारे काम आशीषित हो. Father, bless Mrs. Sudesh Kumari. Give her divine strength this year and blessing in the ministry and anointing too. पिता, मिसेस सुदेश कुमारी को आशीष दीजिए. इस साल इन्हें बड़ी आशीष दीजिए, सेवकाई में अभिषेक दीजिए. Bless grandchildren Yehoshua, Arish. Let him have a normal growth and Afrin have wisdom beyond understanding. इनके नाती पोती को आशीष दीजिए. यहोशुआ, आरिश सामान्य उन्नति पाए और आफरीन को पढ़ाई में मदद कीजिए प्रभु. अमन एंड रजनी, अनुज एंड हीना, be blessed in their family lives. And Ankur, have a wonderful life partner and a golden future with good health. In Jesus' name, Amen. अमन और रजनी, अनुज और हीना अपने परिवार के जीवन में आशीष पाए और अंकुर उज्जवल भविष्य पाए, सुनहरा भविष्य पाए, यीशु के नाम में आमेन. God bless you. आनंद रवि टर्की फ्रॉम धनबाद. आई एम सो ग्लैड गॉड हैज गिवन यू अ जॉब. कांग्रेचुलेशंस एंड प्रेज द लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू फॉर योर थैंक ऑफरिंग फॉर गेटिंग अ जॉब. आनंद रवि टर्की धनबाद से, मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने आपको नौकरी दी है. बहुत बहुत अभिनंदन और प्रभु की स्तुति हो. नौकरी पाने के लिए आपने जो धन्यवाद की भेंट भेजी है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. Deuteronomy 15:10. The Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. व्यवस्था विवरण 15:10. परमेश्वर आपके हर एक काम में आपको आशीष दे, आपके हाथों के सारे कामों को आशीषित करें. Lord bless Anand Ravi Tirki with blessing in the job. Bhushan with a government job and a golden future. Reward him. प्रभु आनंद रवि तिर्की को नौकरी में आशीष दीजिए. भूषण को सरकारी नौकरी दीजिए प्रभु. सुनहरा भविष्य देकर आशीषित कीजिए. Mr. Dheeraj Tirki and Mrs. Khawari Tirki have good health and blessing in the family. In Jesus' name we pray. Amen. Mr. Dheeraj Tirki और Mrs. Khawari Tirki तंदुरुस्ती पाए, पारिवारिक आशीष पाए, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं. आमेन. God bless you. Mrs. Sibley Dennis Nunes from Thane, Maharashtra. I am so glad God has given you an own house. Praise the Lord. We thank you, Jesus. We thank you. Mrs. Sibley Dennis Nunes, Thane, Maharashtra से, मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर ने आपको अपना घर दिया. प्रभु की स्तुति हो. यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं. Jeremiah 30 and verse 19. From them will come songs of thanksgiving and the sound of rejoicing. I will add to their numbers and they will not be decreased. I will bring them honor and they will not be disdained. This is God's promise for you as you live in your new house. यिर्मयाह अध्याय 30 वचन 19 के अनुसार, वहां से धन्यवाद के गीत सुनाई देंगे और आनंद का जय जयकार सुनाई देगा. मैं उनको बढ़ाते जाऊंगा, वो कभी घटेंगे नहीं. मैं उन्हें आदर दूंगा, वो कभी अपमानित नहीं होंगे. जैसे आप अपने नए घर में रहते हैं, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए प्रतिज्ञा है. Lord bless our dear sister Mrs. Sibley with spiritual anointing and dear brother Dennis with perfect health and divine blessing in the family. प्रभु हमारी प्यारी बहन मिसेस सिबले को आशीष दीजिए, आत्मिक अभिषेक दीजिए और प्यारे भाई डेनिस को पूरी तंदुरुस्ती दीजिए और परिवार में पारिवारिक आशीष दीजिए. Lord bless Swinal with a government job and Larison with divine blessing in the job. प्रभु स्विनल को सरकारी नौकरी दीजिए
और लैरिसन को नौकरी में अद्भुत आशीष दीजिए। डेब्सना एंड एंडरसन बी ब्लेस्ड इन द फैमिली एंड एशर एंड बेनल डार्लिंग ग्रैंडचिल्ड्रन हैव विजडम एंड गुड हेल्थ डिवाइन स्ट्रेंथ टू इन जीसस नेम आमेन। डेब्सना और एंडरसन परिवार में आशीष पाए और प्यारे नाती पोती एशर और बेनल अद्भुत बुद्धि पाए और सुनहरा भविष्य पाए यीशु के नाम में आमेन। गॉड ब्लेस यू।